हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज हमने बनाई है अरबी की सब्जी, और ये सब्जी ऐसे बनी है जैसे किसी 5 स्टार होटल से ऑर्डर की हो। सचमुच बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने बनाई है। जो लोग अरबी नहीं खाते, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो वो भी खाने लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो अरबी, जिसको हमने अच्छे से छील लिया और वॉश कर लिया। और आप देख रहे हैं मैंने इसको राउंड शेप में कट किया है, जस्ट लाइक कॉइन कह लीजिए आप। और इसकी थिकनेस सिर्फ इतनी रखी है हमने। तो अब मैं इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने अरबी को ट्रांसफ़र कर लिया एक बड़े बाउल में। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधा किलो में सिर्फ 2 चम्मच। नमक डालेंगे थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालना नमक भी, और थोड़ी सी लाल मिर्च। बहुत कम कम क्वांटिटी हमने डालनी है इस वक्त, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी भी बनानी है। उस टाइम मसाले यूज़ करेंगे। गरम मसाला डाल दिया, साथ ही मैंने हल्दी डाल दी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। आप चाहें तो फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। साथ ही डालेंगे 1/2 लेमन का जूस। तो लेमन जूस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अगर ना हो तो आप इसकी जगह चाट मसाला या फिर अमचूर का यूज़ कर सकते हैं। अगर लेमन हो तो लेमन ही यूज़ कीजिएगा। 10-15 मिनट के लिए इनको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे हम। ये देखिए, रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अच्छे से पूरी तरह मसाले इसके ऊपर कोट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पैन रख लिया, लेकिन ऑयल इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं डाला। तेल गर्म होते इसमें अरबी को हमने थोड़ा अलग अलग करके रखना है, साथ में इकट्ठे से नहीं डालना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालना है, कि हमने डीप फ्राई नहीं करनी, सिर्फ सोते करना है। तो आधी अरबी मैंने डाल दी, आधी बाद में डाल देंगे। आप देख रहे हैं इसमें कि अलट पलट करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई हो चुकी है, और बस इतना ही इसका कलर चेंज करना है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बाकी की अरबी भी हम इसी तरह से पैन में डालेंगे। ऑयल और ज़्यादा नहीं डालना है, अलट पलट करते हुए। ये देखिए, इसी तरह से हम इसको भी सौते कर लेंगे। और ये सारी अरबी जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हमने सारी अरबी निकाल ली है, और ये दिखा रही हूँ मसाला, कि सारी अरबी पे मसाला बहुत अच्छे से कोट हुआ है। अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 प्याज, 3 टमाटर, अदरक लहसुन और 2 चुकंदर के पीसेस मैंने लिए हैं। मेन इंग्रेडिएंट है आज चुकंदर, जो हम इस तड़के में यूज़ करेंगे। सारा कुछ एक साथ ही हम पीस लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, मैंने मिक्सी में सारा कुछ पीस लिया इकट्ठा। और ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा है। उसी पैन में वापस से हमने हल्का सा तेल ऐड कर लिया था। अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाता है, हम इसमें डाल देंगे हींग। हींग बहुत ज़्यादा ना डालें, बस चुटकी भर। अब हमने जो मसाला पीसा था, ये सारा इसमें मिक्स कर देंगे। ये नज़दीक से दिखाती हूँ कि कितना अच्छा कलर है। मैंने जूम करके दिखाया है कैमरा, ये देख सकते हैं आप। तड़के को हमने अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे डाल रहे हैं नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करके तब तक भूनेंगे जब तक कि ये तड़का तला ना छोड़ दे। तो यहाँ पे तला छोड़ चुका है, इसी से हमें पता लग रहा है कि तड़का जो है बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें करेंगे पानी ऐड। और मैंने पानी जो है उसी मिक्सी के जार में लिया, क्योंकि उसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ था। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुझे पानी जो है थोड़ा कम लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा ऐड कर लिया। जैसे ही बॉयल आता है, अब हम इसमें मिक्स करेंगे फ्राई की हुई अरबी। तो पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अरबी को मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर पकाएंगे इसको 8 से 10 मिनट तक। तो 8-10 मिनट पकाने के बाद, अब बीच में चेक भी करते रहे, यहाँ पे 8-10 मिनट हो चुके हैं। और ये लीजिए ग्रेवी, देखिए आप कितनी अच्छी बनी है। एकदम थिक हो गई है और सॉफ्ट हो चुकी है अरबी। धनिया पत्ती से मैं गार्निश कर रही हूँ।
आज हमने इसको यहीं पर ही गार्निश कर दिया। तो देखिए कलर कितना अच्छा है और लग रही है ना टेम्पटिंग। अरबी जैसी सब्जी भी इतनी अच्छी लग रही है, और टेस्ट की बात करूँ तो वाकई बहुत अच्छा टेस्ट है। लेकिन मैं अभी इसकी प्लेटिंग भी करूँगी, क्योंकि मेरे को देखने में इतनी अच्छी लग रही है कि प्लेटिंग के बिना मैं नहीं रह सकी। तो यहाँ पर हमने प्लेटिंग कर ली, तो देखिए कितनी रिच ग्रेवी बनी है इसकी। लग ही नहीं रहा कि ये अरबी है। आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाइएगा, और जो लोग नहीं खाते हैं ना अरबी, वो भी रेसिपी पूछेंगे और जरूर ट्राई करना चाहेंगे कि ये अरबी बनी कैसी है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। आप बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि हमने इस तरह से बनाई तो अरबी आपको कैसी लगी। धनिया पत्ती से हमने गार्निश कर लिया, और साथ ही मैं कुछ स्लाइसिस रख रही हूँ खीरे के, थोड़ा सा रखेंगे चुकंदर। ये सिर्फ गार्निश करने के लिए, आप अपने मनपसंद सैलेड या जिस तरह से भी आप इसको गार्निश करना चाहते हैं कीजिए। साथ ही रख दिया हमने हाफ लेमन और एक हरी मिर्च। तो लीजिए यहाँ पर हमारी सब्जी जो है बन करके पूरी तरह से सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप ये सब्जी रोटी के साथ, परोठी के साथ, पूरी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और एक बार जरूर बनाइएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो लोग नहीं खाते वो भी खाने लगेंगे। तो मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी भी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय। स्टे फिट एंड हेल्दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।